नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे पास है सोनालिका DI-32RX बागबान ट्रैक्टर। तो आइए जानते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में विस्तार से। ट्रैक्टर तो दिखने में काफी बढ़िया है, ये ट्रैक्टर आपको हॉर्टिकल्चर कामों के साथ ही खेती के कामों में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि इस ट्रैक्टर में पावरफुल इंजिन, ज्यादा रोड स्पीड जैसी कई सारी विशेषताएं हैं। और आज के वीडियो में हम जानेंगे इस ट्रैक्टर के बारे में डिटेल में, तो किसका इंतजार है, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेतीगाड़ी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। बात की जाए ट्रैक्टर के लुक्स के बारे में, तो ट्रैक्टर दिखने में काफी बढ़िया है। सामने की तरफ बड़े हेडलाइट्स है, ट्रैक्टर के डेकल्स भी काफी आकर्षक है, साइलेंसर पर कवर दिया गया है ताकि कोई हादसा ना हो। ट्रैक्टर में आपको बैटरी बॉक्स दिया गया है ताकि आपकी बैटरी सुरक्षित रह सके। सामने की तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको मिलेगा सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग। हालांकि ट्रैक्टर छोटा है तो मेरे ख्याल से सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग में भी ट्रैक्टर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात की जाए ट्रैक्टर के इंजन के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 4-स्ट्रोक वाटर कूल्ड 3-सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसमें आपको 2780 क्यूबिक कैपेसिटी मिलती है। और आपको बता दें कि ये ट्रैक्टर आपको 32 हॉर्स पावर की ताकत देगा। बात की जाए ट्रैक्टर के एयर क्लीनर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको ड्राई टाइप एयर क्लीनर दिया गया है। ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन सिस्टम की बात की जाए, तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल क्लच ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर दिए गए हैं। ट्रैक्टर के स्पीड की बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको 34 किलोमीटर प्रति घंटे की फॉरवर्ड स्पीड मिलती है और 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रिवर्स स्पीड मिलती है। 34 किलोमीटर प्रति घंटे की फॉरवर्ड स्पीड एक छोटे ट्रैक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा है। बात की जाए ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो वो भी काफ़ी बढ़िया है, आपको इससे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बात की जाए ट्रैक्टर के ब्रेक्स के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको ड्राई डिस्क और ऑयल इमर्स मल्टी डिस्क ब्रेक दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। बात करते हैं ट्रैक्टर के पीटीओ के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 28.43 हॉर्स पावर का पीटीओ मिलता है, साथ ही आपको सिर्फ एक ही पीटीओ स्पीड मिलते हैं 540 आरपीएम। हाइड्रोलिक्स की बात की जाए, तो ये ट्रैक्टर 1336 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है। कैटेगरी 1 के सारे इंप्लीमेंट्स आप इस ट्रैक्टर के साथ जोड़ सकते हैं। इसमें हाइड्रोलिक प्लॉ जोड़ने के लिए डीसी वाल्व भी दिया गया है, ट्रांसपोर्ट लॉक मिलता है, टोइंग हुक मिलता है, साथ ही आपको स्टीयरिंग जैसे मैंने एक्सप्लेन किया मैकेनिकल और पावर दोनों में ही अवेलेबल है। आपको बता दें कि ये ट्रैक्टर 2-व्हील ड्राइव वेरिएंट में आता है, जिसमें आपको आगे में 5-15 के टायर्स मिलते हैं और पीछे में 12-4-24 के। डायमेंशंस की बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको 315 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ट्रैक्टर का व्हील बेस है 1720 mm का और ट्रैक्टर की कुल विड्थ है 1480 mm की और ट्रैक्टर का कुल वजन है 1570 किलोग्राम का। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बाकी है, इस ट्रैक्टर की कीमत। इस ट्रैक्टर की कीमत शुरू होती है 5 लाख से लेकर 5.5 लाख तक। वेरिएंट वाइज ट्रैक्टर की कीमत अलग अलग हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके एरिया में इस ट्रैक्टर की कीमत क्या हो सकती है, तो अभी डाउनलोड कीजिए हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन। हमारे एप्लीकेशन द्वारा आप इस ट्रैक्टर की कीमत आपके एरिया में क्या हो सकती है, ये पता लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन सा ट्रैक्टर पसंद आया, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ। जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण ट्रैक्टर वीडियो में। जय जवान जय किसान।